आप लोग कैसे हैं बताना जरूर। तो आज हम चल रहे हैं चाय पीने पहले, फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे मैं आप लोग से शेयर करूंगी। तो क्या बनाएंगे पहले चाय पी लेते। तो यहाँ पे मैंने पैन को रख दिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं। पैन में हम पानी डाल देते हैं एक ग्लास। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्याज छोटे छोटे और करेला। तो पहले हम प्याज को डाल देते हैं, फिर करेले को भी डाल देते हैं इसमें। यहाँ पे लहसुन छिलके लिए हैं तो वो भी डाल देते हैं। यहाँ पे सूखा मिर्चा लिए हैं, हल्दी पाउडर। तो हल्का सा गरम कर लेते हैं पानी को। तो हल्का पानी गरम हो गया तो इसमें हम डाल देते हैं धनिया, जो साबुत धनिया आता है। तो फिर इसे ढक देते हैं। फिर इसे अच्छे से हम उबाल आने देते हैं। तो उबाल आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे चला लेते हैं, फिर इसे ढक देंगे। तो ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है, मतलब हल्का ही कुक करना है। तो गैस को बंद कर देते हैं, इसे हम छान लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है छानने वाला, तो इसी में सारा पलटी कर देते हैं। तो यहाँ पे सारा मैंने छान लिया। अगर आपको ज़्यादा, जिसको कड़वा पसंद होगा करेला, तो वो ये पानी को यूज कर सकता है, और नहीं तो फिर हम इसी को बनाएंगे। मेरे घर में बहुत कम कड़वा खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा पलटी कर दिया है और ठंडा हो चुका है। तो मिर्ची की जो डंडी है वो तोड़ के हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट मैंने बना लिया है। यहाँ पे करेला मैंने लिया, ऐसे बीज से इसको ऐसे कट करना है, और जो उसका बीज होता है वो मैंने निकाल दिया है। तो अगर आपको बीज डालना हो तो इसी मसाले में आप वो छील के फिर बीज निकाल के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है और बीज थोड़ी टाइट भी है इसमें की। तो सारा मैंने कट कर लिया है यहाँ पे। यहाँ पे फिर से मैंने पैन रख दिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं। पैन को हम गर्म कर लेते हैं। तो पैन हमारा गर्म हो गया, तेल डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 5 फोरन, ये डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से चटकने देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो डाल देते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रहे हैं, हल्दी पाउडर और हल्का सा मिर्चा पाउडर। तो सारी चीज़ें मैंने पहले ही डाल के इसका पानी में बॉईल कर लिया था, तो थोड़ा थोड़ा सा वैसे ही हम डाल रहे हैं। तो इसे अच्छे से चला के हम इसे भूज लेंगे। थोड़ा इसे ढक देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कलौजी मसाला, तो मैंने कलौजी मसाला का भी डाला था, तो आप लोग देख लेना। ये डालने से इस सब्जी की जो टेस्ट है वो दुगनी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम चलाते हुए इसको भूज लेंगे अच्छे से। तो गैस को बंद कर देते हैं, मसाला हमने भूज लिया है। तो यहाँ पे हम ठंडा कर लेंगे इसे चला चला के। तो यहाँ पे अब हम नमक डाल रहे हैं, हमने लास्ट में नमक डाला है। आपको अगर पहले डालना हो नमक आप पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उतारने के बाद डाला है ताकि नमक हम अंदाज से डाल सके जितना हमारा मसाला है। तो यहाँ पे मैंने करेला ले लिया है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें भर देते हैं सारा। इस तरीके से हमें भरना है। तो इसी तरीके से सारा ही भर लेते हैं जितना करेला है हमारा। यहाँ पे मैंने सारा भर लिया करेला। फिर से मैंने पैन को रख दिया है, तो गैस को चालू कर दिया था, तो गैस ऑन था हमारा। यहाँ पे हमारा
पैन गर्म हो गया, तेल मैंने डाल दिया है, तो एक एक करेला करके हम डाल देते हैं इसमें। तो इसे एक तरफ लाल कर लेते हैं, फिर हम इसे पलटेंगे। तो हल्का सा इसे ढक देते हैं, तब तक हम जब तक हमारा लाल होगा सब्ज़ी, तब तक हम यहाँ वहाँ किचन भी साफ़ करते रहेंगे। और फिर मैं यहाँ पे खोल के एक बार देख लेती हूँ कि हमारी सब्ज़ी एक तरफ लाल हो गई है। तो फिर इसे चला के फिर इसी तरीके से हम छोड़ देते हैं, और फिर हम यहाँ पर एक बार और चला लेते हैं। तो हाथों हाथ हम किचन भी क्लीन करते जा रहे हैं और सब्जी भी बनाते जा रहे हैं। चाय का बर्तन भी हमें वॉश करना है, चाय का बर्तन भी धो लेते हैं। जब तक हमारी सब्ज़ी, तो मैं गैस को एकदम स्लो किए रहती हूँ, तभी मैं अपना और भी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय के बर्तन जो थे वो भी वॉश करना स्टार्ट कर दिया है, वहाँ पर स्लो गैस कर दिया है, वहाँ पर सब्ज़ी भी हो रही है। तो फ्रेंड्स हमारी करेले की सब्ज़ी बन गई, तो आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगता है और कड़वापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बच्चे भी मांग मांग खाएंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही थी कि ये लोग साइकिल को कह रहे हैं कि सरकारी बस है, तो कितनी भीड़ लगा के वो साइकिल को पकड़ के रखे हैं कि ये सरकारी बस है। तो इस पर सब लोग ने बैठ गए थे और फिर गिर भी गए खेत में। मैं आप लोग को दिखा रही थी यही कि खेत में गिर भी गए हैं ये लोग, सरकारी बस समझ के बैठ रहे थे। तो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है, तो इस ब्लॉग में ही पेंट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें।